9वीं की ऑनलाइन क्लास में सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है। इस क्रम में पहले अपवाद तंत्र के प्रश्न उत्तर अपन ने पढ़े, अब सामाजिक विज्ञान के भूगोल वाले पाठ में अपवाद तंत्र से कुछ लघुत्तर प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें है हिमालय की नदियों की विशेषताएं बताई गई। तो जो हिमालय से निकली हुई नदियां हैं उनकी विशेषता, तो हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं, इसमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि जो हिमालय की नदियों में वर्ष भर पानी रहने के कारण वर्षा वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि यहाँ वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे ऊंचे जो पर्वत होते हैं उनमें से जो बर्फ होता है, हिम जो बर्फ पिघलता है उसके माध्यम से भी पानी, जो बर्फ होती है वो पानी बन जाता है, तो इस कारण नदियों में उन बर्फ से जो बर्फ पिघली हुई होती है उसका भी पानी आता है, इसलिए वहां पर वर्ष भर क्या होता है, पानी रहता है। हिमालय की नदियां दो मुख्य नदियां होती, हिमालय की दो मुख्य नदियां है एक सिंधु और दूसरा ब्रह्मपुत्र, जो पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। इन नदियों में मतलब जो नदियां हैं, नदियों से पर्वत को काटकर गर्जों का क्या करती हैं, निर्माण भी होता है। फिर हिमालय की नदी, जो हिमालय नदी है, हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को क्या करती हैं, तय करती। जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो जैसे गंगा हो गया, ये सब जो नदियां हैं जो हिमालय से निकली हुई है उनका जो उत्पत्ति स्थान है वे मतलब पूरा लंबा मार्ग तय करके वह समुद्र तक का रास्ता क्या करती है, तय करती है, और अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र आवर्तन मतलब जो अपनी जो नदी बहती है उसके मार्ग में जो ऊपरी भाग में जो होता है वो तीव्र आवर्तन की क्रिया करती है और अपने साथ सिल्ट व बालू का संवहन भी करती है। उसके माध्यम से सिल्ट और बालू का संवहन करती है। बालू मतलब रेत, उनको रेत कहाँ से प्राप्त होती है, नदियों से प्राप्त होती है। तो ये हो गया हिमालय की नदियों की विशेषता। फिर है जैसे मध्य व निचले भाग में नदियां होती हैं उनके मध्य में और निचले भाग में नदियों से क्या बनते हैं, विसर्ग, गोखुर, अपने बाढ़ के साथ तब जो नदियों के जल में उनके माध्यम निचले वाले जो भाग होता है, नीचे का जो भाग होता है गोखुर झील वह अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेप आकृतियों का क्या करती है, निर्माण करती है, और ये पूर्ण विकसित डेल्टा का भी क्या करती है, निर्माण करती है। फिर उसके बाद है सिंधु तंत्र की के आधार पर, जो सिंधु नदी तंत्र है उसके आधार पर उसकी सहायक नदियां और सिंधु जल समझौता। तो इसका सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। जो उसका सिंधु नदी का जो है उद्गम कहाँ से है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से है। फिर इसकी सहायक नदियां, सिंधु की पांच सहायक नदियां, सिंधु नदी की पांच सहायक नदियां है झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत में इस नदी के प्रांतों के संपूर्ण जल का केवल 20% जल जो है वह क्या होता है, जो सिंधु नदी है उसका समझौता अनुच्छेद है 1960 के अनुसार भारत इस नदी की संपूर्ण जल मार्ग केवल 20% जल उपयोग करता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, मतलब जो पंजाब में जो है और हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में, जो दक्षिण पश्चिम के भाग हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, राजस्थान है, वहाँ पर काय के लिए उपयोग में लाया जाता है। पश्चिमी भागों में इनको सिंचाई के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर है कावेरी द्रोणी के बारे में बताइए, इसमें निर्मित जल प्रताप के बारे में बताइए। तो कावेरी पश्चिम घाट में ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, कावेरी नदी है वह पश्चिम घाट से ब्रह्मगिरी श्रृंखला से क्या होती है, निकलती है। यह
दक्षिण के बंगाली खाड़ी में मिल जाती है, तब पश्चिम कावेरी पश्चिम भाग से ब्रह्मगिरी श्रृंखला से क्या हुई है, कावेरी नदी निकली हुई है, यह तमिलनाडु के कुडूर के दक्षिण मार्ग से बंगाली खाड़ी में क्या होती है, मिल जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर है। और इसकी द्रोणी तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में विस्तृत है। इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और कावनी। इनकी प्रमुख नदियां हैं ये अमरावती, भवानी, हेमावती। फिर इनमें इसका जलप्रपात भी बनता है, तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, तब ये नदी है कावेरी नदी, इस पर एक जलप्रपात भी है जो कावेरी नदी पर बना है, वह है इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। जो जलप्रपात है उसको किसके नाम से जानते हैं, शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। इस प्रपात से विद्युत मसूर, बेंगलोर और कोला स्वर्ण क्षेत्रों में प्रदान की जाती है। प्रपात से जो बिजली उत्पन्न होती है और उससे पैदा की जाती है, जो उत्पादित की जाती है विद्युत, वह मैसूर, बेंगलोर और कोलार के स्वर्ण क्षेत्रों में क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। तो ये सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ है, कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर बनता है। फिर है नदियां अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, जो नदियां होती है वह अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों के माध्यम से अगर आपको अभी मैंने बताया कि कावेरी नदी पर एक तो ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी क्या है अपन के लिए, जो जलप्रपात है वो क्या है, उपयोगी है। उसी प्रकार नदी द्वारा निर्मित मैदानों में कृषि की जाती है, तो नदी के किनारे को आप देखिएगा वहां पर जो निर्मित मैदान होते हैं वहां कृषि होती है, और हमें नदियों से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति भी करती है। नदियां हैं जो अपन को क्या करती हैं, स्वच्छ जल भी प्रदान करती हैं। इनके किनारों पर भी गांव और नगर स्थित होते हैं, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी अधिकांश तटों पर स्थित होते हैं। और नदियों पर क्या बनाए जाते हैं, नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाता है, इससे कृषि की जाती है और इसके अतिरिक्त इससे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो जो नदियों की अर्थव्यवस्था कैसे, मतलब नदियों से भी अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित, उसकी बात इस सारे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें अपन को नदियों का भी अर्थव्यवस्था में योगदान है, इससे अपन को कृषि योग्य, मतलब उनको स्वच्छ पेयजल तो मिलता ही है, साथ में कृषि, मतलब नदी द्वारा निर्मित जो कृषि के लिए मैदान भी प्राप्त होता है, और नदियों में बांध बनाए जाते हैं जिससे उससे अधिकांश नहरों का निर्माण करके, मतलब छोटे छोटे जो गांव है वहां पर नहरों के निर्माण करके वहां पर पानी की पूर्ति की जाती है, और वह जल विद्युत के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है बांधों से। फिर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP को स्पष्ट कीजिए। तो भारत में नदी सफाई, नदी का सफाई कार्यक्रम है जो कब प्रारंभ हुआ, 1985 में प्रारंभ हुआ, जो गंगा एक्शन प्लान के से प्रारंभ हुआ है। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए भी ये कार्य योजना का क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। और देश में जो देश की नदियां हैं उनमें जल का प्रमुख स्रोत है, और NRCP का उद्देश्य है नदियों को जल प्रदूषण कम करके जल की गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना। तो जो NRCP है उसका अर्थ को स्पष्ट कीजिए, यह है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जो यह टाइटली नदी सफाई के लिए योजना का क्या किया गया, आरंभ किया गया। और 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत नदियों में कई नदियों को साफ करने की जो योजना का विस्तार किया गया। तो नदी प्रदूषण से आप क्या सा आशय है, और नदियों को नदी प्रदूषण से आशय, और नदी का जल
जो नदी जल की घरेलू औद्योगिक तथा कृषि से बढ़ती हुई मांग के कारण इसकी गुणवत्ता कैसी हुई प्रभावित हुई है और इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि नदी से अधिक जल की निकासी होती है जिसमें उसका क्या होता है आयतन घटता जाता है। फिर उद्योगों के द्वारा जो उद्योग है उससे प्रदूषण का परिस्थित जो उद्योग होते हैं उससे जो जो होता प्रदूषण होता है तो परिकृष्ट जो कचरे नदी में मिलते जाते हैं जो कचरे हैं परिकृष्ट करता है जो नदी में मिलते रहते हैं यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी की स्वतः और स्वच्छीकरण की क्षमता को उनका जो ये जो गंदा कचरा है पानी है जो गंदा पानी है वो जब नदियों में मिलते हैं तो उससे क्या होता है जल की गुणवत्ता कैसी होती है खत्म हो जाती है और स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी क्या करता है प्रभावित करता है। और जल प्रवाह में गंगा का जल स्तर 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बड़े शहरों तक गंदगी के कारण वहां पर क्या है जो गंगा नदी है तो वहां पर जो 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बड़े शहरों की गंदगी है उसमें क्या हो रही है गंगा में समाहित कर सकता है लेकिन निरंतर बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण संभव नहीं हो पाता अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर कैसा हो जाता है बढ़ता जा रहा है। नदी प्रदूषण को कम करने के क्या उपाय नदी प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं उसमें जो नदी में जो प्रदूषण है उसके निराकरण के लिए सरकार ने कानून बनाए हैं और इसमें औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्रों से कचरे को नदियों में प्रभावित करने पर क्या किया गया है प्रतिबंध लगाया गया है। सीवेज लाइनों से जल को परिकृष्ट किया जाए सरकार द्वारा समय समय पर नदियों की सफाई कराई जाए और लोगों को नदी प्रदूषण की समस्याओं के प्रति क्या किया जाए जागरूक किया जाए। तो ये प्रश्न आपके लिए हो गया कि नदी में प्रदूषण और उसको कम करने के नदी में प्रदूषण क्यों हो रहा है और उसको कम करने के क्या उपाय हैं इसके बारे में भी आपको मैंने बताया। तो ये नदी प्रदूषण को कम करने के कितने उपाय हैं 5 उपाय।